हे गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के 2021 के पेपर। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। देखिए, निम्नांकित में से मतलब कि अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या है। तो देखिए, पहला का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, C6H5NH2। चलिए क्वेश्चन नंबर दो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपका कह रहा है कि जो निम्नांकित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो निम्नांकित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो जल्दी से बता दे। दो नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से क्या अर्थात सभी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। इसमें से प्राकृतिक बहुलक कौन है, तो आप लोग जल्दी बताइए। बहुत सा आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चार की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार आपका है कि हेक्साएमाइन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र है, इसका सही सूत्र क्या है। तो चलिए, चार का आंसर होगा ए। क्या होगा आंसर? ए, Pt(NH3) का होल थ्राइस Cl4। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर फाइव आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। मतलब कि आपको बताना है अक्रिस्टलीय का ठोस का उदाहरण। इतना आसान है यार, मैं क्या बताऊँ। आप लोग कमेंट में ही इसको बताना, बहुत ज़्यादा आसान है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है, बहुत आसान। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। अर्थात क्या छः का जो है आंसर क्या हो जाएगा? अनुसंख्य गुणधर्म कौन सा, क्या हो जाएगा आंसर छः का? डी, परासरण दाब। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं सात नंबर की ओर। सात नंबर आपका कह रहा है कि एक मोल Al3+ को Al से अपचयन करने का कितना आवश्यकता होती है, मतलब कितना आवश्यकता होती है। चलिए, सात का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? A3.0×10^5C। चलिए क्वेश्चन नंबर एट की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर एट आपका कह रहा है कि जो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो आठ नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी O2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन आप लोगों का कह रहा है कि जो मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को क्या बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसकी आंसर की बात कर लेते हैं। नौ का आंसर जो है वो हो जाएगा बी, अर्थात क्या? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कॉपर पाइराइट का सूत्र है, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होगा। तो चलिए 10 का आंसर बता, 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, CuFeS2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि 0.01 mg ग्लूकोज बिलियन की तुलना 0.0 mg Mg Cl2 बिलियन की हिमांक में अवकनमन होता है। तो 11 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, लगभग तीन गुना। कितना हो जाएगा? लगभग तीन गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। जुपिटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, जुपिटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, इसमें से बताइएगा जल्दी। तो इसका जो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर H2NCH2COOH। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, क्या होता है प्रयुक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर की बात करें, 13 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी, सी, अर्थात क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B से C के दर है, क्या हो जाएगा दर। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 14 का आंसर? ए। क्या हो जाएगा? दर बराबर K(A)(B)। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि अभिक्रिया, तो क्वेश्चन बढ़िया से आप लोग देखिए, इसमें पढ़ने की बात नहीं है। आप लोग सोचिएगा, ठीक है, ये अभिक्रिया जब होगा तो इसको क्या कहते हैं, इस जो अभिक्रिया हो रहा है ऊपर में क्वेश्चन नंबर 15 में, इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चलिए बताइए। हम आंसर बताते हैं आपको, 15 का जो आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? फीटिंग अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फीटिंग अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का कह रहा है कि फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। भाई किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा सी, रीमर टीमाइन अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? रीमर टीमाइन अभिक्रिया द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों का कह रहा है कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है।
प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर की बात करते हो जाएगा BCS3Cl3+KOH। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का कह रहा है कि एस्कॉर्बिल अम्ल है, एस्कॉर्बिल अम्ल में से क्या 18 का जो आंसर हो जाएगा ए, क्या है विटामिन, कौन है विटामिन ए विटामिन। चलिए आगे चलते 19 का आंसर जो हो जाएगा, 19 का क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं भाई साहब। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। भाई शरीर के ताप को कम करने वाला पदार्थ कौन सा है? बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन हम आंसर बताएंगे। ठीक है, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ज्वरनाशी। क्या हो जाएगा आंसर? ज्वरनाशी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पे पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? भाई कौन सा दोष होता है जरा बताइएगा। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, फ्रैंकल दोष। क्या हो जाएगा? फ्रैंकल दोष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है CaNO3 का होल ट्वाइस में 1/2 गुणक होता है। क्या होता है 1/2 गुणक? 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का सी। क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा आंसर? 3। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि कैल्शियम फार्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। क्या होता है इससे प्राप्त? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का HCHO। क्या हो जाएगा आंसर? HCHO। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए बी और सी तत्वों के मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः +0.68 वोल्ट -2.50 वोल्ट और जी -0.50 वोल्ट है, उसकी अपचयन शक्ति का क्रम होगा। अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? तो 23 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए 24 के आंसर की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम क्या बताइएगा आप लोग फटाफट, कमेंट में बताइए एंजाइम क्या है। 24 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। क्या आ जाएगा? प्रोटीन। इसमें से कौन सा एंजाइम? प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। थोड़ा सा 25 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का संवर्धन किया जाता है। भाई सल्फाइड अयस्कों का संवर्धन किया जाता है किसके द्वारा? चलिए 25 के आंसर की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? फेन उत्प्लावन विधि। क्या हो जाएगा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों का कह रहा है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी। सवाल में किसमें पाया था टिंडल प्रभाव? सवाल में। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एल्कील, क्या कह रहा है? एल्कील हेलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? बोल्ट्ज अभिक्रिया। क्या कहलाती है? बोल्ट्ज अभिक्रिया। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, बोल्ट्ज अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 आपका कह रहा है कि Cr(H2O) का होल फॉर Cl2+ संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसके लिए आपको Cr का ऑक्सीकरण निकालना होगा। तो Cr का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? B+3। क्या हो जाएगा आंसर? +3। निकाल के देख लीजिएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। 29 का क्वेश्चन आपका अभिक्रिया OH CH2 CHOH का होल फॉर CHO में उत्पाद है। क्या उत्पाद हो जाएगा? 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी एनहेक्सेन। क्या हो जाएगा आंसर? एनहेक्सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई बंधन है? भाई पी पाई और डी पाई बंधन किसमें से है? तो आप लोग ना बताइएगा, जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए, देखते हैं किसका सही हो जाता है। 30 का आंसर हम बता देते हैं। 30 का जो आंसर हो जाएगा डी SO3 का 2-। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। भाई वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? जल्दी बताओ स्टूडेंट, एक्टिव हो जाओ, अब पढ़ाई शुरू करो। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? जल्दी पढ़ो, तो याद करना भी शुरू करो। टेलीग्राम में भी जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सोचने का नहीं, जल्दी जुड़ने का, सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना। चलिए 31 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कैल्कोजन। क्या हो जाएगा? कैल्कोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर ले। 32 आपका कह रहा है क्या जो प्रथम संकरण, क्या कह रहा है? प्रथम संकरण संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व क्या है? भाई कौन सा तत्व है? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा? MN मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम।
33 की ओर चलते, 33 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में फोर्फ ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 33 आपका कह रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, 34 आपका कह रहा है कि K3 × Cr C2O4 का होल थ्राइस में Cr का उपसंयोजन संयोजन संख्या क्या है, क्या है भाई जल्दी बता दे। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, उसमें क्विज रोज होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सोचने का नहीं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। 35 की सेल अभिक्रिया की समावस्था पर सेल का विद्युत प्रवाह बल EMF होता है, तो क्या होता है। 35 का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी शून्य, क्या हो जाएगा शून्य। 36 की ओर चलते, 36 आपका कह रहा है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, रासायनिक अधिशोषण में कितना परत होता है भाई सब जल्दी बताइए। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, क्या हो जाएगा एक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते, 37 आपका कह रहा है बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया कर प्राप्त होता है, किसके साथ अभिक्रिया कर प्राप्त होता है, तो जल्दी जल्दी बताइए। 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते, 38 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है उपसंयोजन यौगिक K4 × NaCN का होल फ्राइस में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो क्या है निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था, याद करो बनाया करो घर पे, ठीक है। तो जल्दी बताओ 38 का आंसर क्या, कमेंट करो जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सब। 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए शून्य, क्या हो जाएगा आंसर शून्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते, 39 आपका कह रहा है कि जी कौन अत्यधिक क्षारीय है, तो जल्दी जल्दी बताइए इसमें अत्यधिक क्षारीय भाई साहब कौन है। 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का बी, C6H5 का होल टेस्ट NH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते, 40 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र, तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन ए, CnH2n+1 का 1OH, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है भाई जल्दी बताओ। 41 का आंसर हो जाएगा ए पायस का, दूध किसका उदाहरण है, पायस का। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना किसका अयस्क है भाई साहब जल्दी बता दो। 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का बी, पी बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते, 43 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अभिक्रिया CH3CN अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा भाई बता दे जल्दी। 43 का जो आंसर क्या हो जाएगा ए, CH3COOH, क्या हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते, 44 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, तो ये सबसे नीचे हम दिख रहा है ABCD में, इस सब में से कौन सा बंध जो होता है सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, 44 का जो आंसर हो जाएगा बी, CLCL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए क्या कहलाता है, रेटिनॉल कहलाता, क्या कहलाता है विटामिन ए, रेटिनॉल, मुझे भी याद है, चलो आगे चलते हैं। 46 की बात करते हैं, 46 आपका कह रहा है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, मतलब क्या वैसे धातु का नाम होता है जो हरदम खुला रहता है, स्वतंत्र रहता है, 46 का आंसर हो जाएगा सोना, क्या हो जाएगा सोना। आप लोग जी आपको भी बोलते हैं सोना, ठीक है, बोला नहीं अब से इसको करते, ठीक है। चलो 47 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका, लोहे को जंग लगने से हम लोग कैसे रोक सकते, ये तो आप लोग घर पे भी देखते हो ना, तो चलो फिर भी हम आंसर बताते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आयरन कैथोड बनाकर, क्या हो जाएगा आयरन कैथोड बनाकर, ठीक है। चलिए आगे चलते, 48 का जो क्वेश्चन है आपका इथॉक्सी इथेन कौन है, तो आप लोग इसमें से देख कर बताइए कि इथॉक्सी इथेन कौन सा है। 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H5O, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते, 49 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है, तो 49 का जो है वो आंसर हो जाएगा ए क्लोरोफिल, क्या हो जाएगा क्लोरोफिल। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ओके बच्चों सब कुछ ध्यान दे देना, टेलीग्राम पे क्विज होता है, जल्दी जल्दी भाई जुड़ जा,
ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। बेरवादार कौन सा? बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो 15 का आंसर हम जल्दी जल्दी बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हीरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अभिक्रिया C2H5Br की अभिक्रिया का उत्पाद है, अर्थात क्या? C2H5 और Br से अभिक्रिया करवाए तो क्या होगा? जल्दी बताओ। 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए CH2, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? भाई जल्दी बता दे इसका किसका घटक होता है, हम बता देते हैं आप लोगों को। मुझे लगता है आपको याद नहीं होगा। 52 का बी क्या आंसर क्या हो जाएगा? बी सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। 53 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? किसके लिए वेग स्थिरांक वेग सब कुछ समान होता है? जल्दी बताओ। 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ए शून्य। क्या हो जाएगा आंसर? शून्य। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से किसमें अल्कोहल संघनन अभिक्रिया होती है? किसमें होती है, किसमें? 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी CH3CH2, ओके। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनता है, क्या बनता है? जल्दी बताओ। 55 का जो आंसर हो जाएगा Cn2+NH4Cl, ओके। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? जिससे कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? जल्दी बताओ किसमें से क्या है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी मोललता। क्या हो जाएगा? मोललता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 57 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 57 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तो जल्दी जल्दी बताइए। 57 की बात कर ले हम लोग थोड़ा सा। 57 आपका कह रहा है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न कर सकता है। भाई क्या उत्पन्न नहीं कर सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन। आपको पता है एक बात, ये सब क्वेश्चन आपका कराया गया, मुझे लग सब भूल गया होगा, हमको पता, याद भी करता है ना। चलो आगे। Zn+Na2+ ये क्या है? जल्दी बताओ। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा बी DNA। क्या हो जाएगा आंसर? DNA नहीं, डेनियल सेल, ठीक है। हम गलती बता रहे, ध्यान नहीं देता तुम, ध्यान दिया करो। चलो आगे। 59 का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 59 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C2H5NH2। क्या प्राप्त होता है? C2H5NH2। ये सब कराया गया है, ठीक है, चैप्टर वाइज में। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, अगर जो दे रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है। 60 क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे प्रबल अम्ल है, देखो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है ABCD में, जल्दी बताओ आप लोग। तो सबसे प्रबल अम्ल जो है वो हो जाएगा आपका HClO4, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घोल का मोलर संघनन का, इसके लिए आपको क्या करना होगा? मोल निकालना होगा ना। तो इसके लिए आप पहले पढ़े थे, तो पढ़िए जल्दी से, पुरनका बुक उठाइए, जल्दी से पढ़िए। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, मिलाइएगा बना के, ठीक है। 61 का जो आंसर है आपका हो जाएगा D4.0। इसको तो हम अभी प्रूव नहीं कर सकते हैं, आप लोग घर पे बना के देखिए, ठीक है, फिर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अभिक्रिया प्रतिफल निम्नलिखित में से, बताइएगा 62 में जो अभिक्रिया दिया हुआ है ये करेगा तो क्या बनेगा, तो आप ही लोग ना बताइएगा। तो 62 का जो आंसर हम बता देते हैं, आप लोग करके देखेगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। क्या जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलता है। आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम है, आयुपेक एक प्रणाली जिसमें नाम लिखा जाता है, ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे। तो उसमें एसीटोन का नाम है, तो क्या नाम है? तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा सी, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, मतलब कम से कम कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा बी स्थिति, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 65 को चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है किलो जूल या मोल में, तो आप लोग ना बताओगे, जल्दी बताओ। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ए 20 से 40, इधर ना बराबर है किलो जूल या मोल, ठीक है।
इसमें दोनों में से कौन नंबर निकाल सकता है 20 से 40, ठीक है क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते, 66 नंबर क्वेश्चन आपका SN2, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता अर्थात क्या SN2 क्रियाविधि में किस चीज़ का निर्माण होता है। 66 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए, कार्बोधनायन किसका निर्माण होता है, कार्बोधनायन का। 67 की बात कर लें, 67 और क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से कौन सा योग जल में विलय, मतलब क्या कौन सा ऐसा योग इसमें से जो जल में घुल जाता है, ठीक है। चलो 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, CH3Cl3, हम गलत पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो ध्यान देना तुम लोग, आगे चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि कार्बोनिल समूह सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है, तो इसके लिए भी आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। बताने से नहीं होता, याद करने वाली चीज़ ये सब नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल हम बता देते हैं आंसर 68 का, तो इसका आंसर हो जाएगा BSP2, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, 69 की। तो आपको कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या होता है प्राप्त। 69 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, मेथिल अल्कोहल, क्या हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। तो क्वेश्चन नंबर 70 की हम लोग बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभिक्रिया CCH5NNCI, तो ये सब अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बताओ जल्दी, तो क्या हो जाएगा फिनॉल, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग अब क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, इतने अच्छा पढ़ा दिए, इससे अच्छा क्या चाहिए बताओ जल्दी। कल से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक ना, और भी आए, फुल्ली भी आए, उससे बाहर एक नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है इसके लिए, घंटा भी दबा देना, ऑल कर देना, सब सुपर में होगा, ठीक है। और देखो एक चीज़ हम भूल ही गए, टेलीग्राम में तुम लोग जुड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी जाके जुड़ो, जल्दी जल्दी जाके जुड़ो, कोई रुपा नहीं लगता है, क्विज भी होता है, तुम्हारा ही रिवीजन होगा, रिवीजन बाद किसका फ़ायदा बताओ, टेस्ट हो रहा है, एग्ज़ाम अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो इस आज के लिए बाय, नेक्स्ट डे में मिलते हैं, ओके।